उरुजी तो देवन सादा दिल हुने नहीं लगदा। उरुजी तो देवन क्या बोले उनके लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। आज तो शायद दो सत्संग में उन्होंने मुझे बुलाया, सुबह भी एक सत्संग था और आज शाम में तरुण के यहाँ। सबसे पहले तो मैं एक सत्संग का शेयर करना चाहूंगी, मैं कैसे गुरु जी के भजन में आई। मैं गाती थी, बड़े अच्छे अवार्ड वगैरह जीते हुए थे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन कभी भी किसी ने प्रोफेशनली उसको आगे नहीं आने दिया। और मैं बचपन से ही, मेरे दिल में एक मेरा ड्रीम था कि मैं गाऊं, मुझे कुछ स्टेज मिले और मैं गाऊं। काफ़ी स्टेज पे भी गाया लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं गाया। लेकिन कहते हैं वो आवाज़ सुनते हैं, वो शायद आपका दिल का जो आपका जो ड्रीम होता है उसको शायद सुनते हैं गुरु जी। तो ऐसे ही किसी सत्संग में मैंने गाया, गुरु जी ने कहा कार्तिक बड़ा गांधी ने नहीं उधर भी गा दे, तो लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं इनके प्रोफेशनल उसमें आ गई मैं, फिर मेरे गाने रिकॉर्ड होने शुरू हो गए गुरु जी के भजन। और दो बारी गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर में गवा दिया, बहुत उनकी कृपा मेरे ऊपर। और अभी हाल ही में मैंने एम्पायर स्टेट में गाया। बड़े मंदिर का भी किस्सा बड़ा प्यारा सा है। गौरव अंकल ने मुझे बुलाया लास्ट टू लास्ट गुरुपूरब में और मुझे कहा कि आपने एक शब्द गाना है विदाउट म्यूजिक। जो अभी जो रूम ये कंस्ट्रक्ट, अभी जहाँ पे हम लोग लंगर प्रसाद लेते हैं, उस टाइम वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बन रहा था वो रूम। तो मेरे को वहाँ का उन्होंने बोला कि आपको यहाँ गाना है। मुझे वेलनेस से बुलाया गया जिस दिन मंदिर क्लोज होता है और मुझे सारा समझाया गया कि आपने इस जगह पे गाना है। तो वो कंस्ट्रक्शन में था और मेरी जो सेवा थी वो मणि अंकल को दे दी गई। मणि अंकल सेवादार है वहाँ पर और गौरव अंकल थे काफ़ी, गौरव जी जो गुरु जी के भतीजे उनके काफ़ी क्लोज हैं। तो मेरी जो सेवा थी वो मणि अंकल को दे दी गई। और हम लोग उस दिन पहुँच गए कि रात में आरती के बाद आपको गाना। आरती भी हो गई लेकिन अभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं गाने के लिए। हम लोग 4-5 बजे के, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हैं, 9:30-10 हो गए। मेरे हस्बैंड कहते हैं यार कोई बोल तो रहा नहीं है, चलो घर चलो, ठीक नहीं लगता। तभी देखा मणि अंकल दौड़ते हुए आ गए और कहते हैं अंजू आंटी आप पे तो बड़ी कृपा हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपको यहाँ नहीं गाना, आपको भवन में गाना है, मेन भवन में गाना है आपको, वहाँ पे गौरव जी ने आपको बुलाया। वो भागे पीछे पीछे, मैं पीछे पीछे मेरे हस्बैंड, हम लोग वहाँ गए और मेन भवन पर गौरव जी ने मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया और कहते हैं चलो अंजू आंटी स्टार्ट हो जाओ। अब आप सोच सकते हैं कि सामने गुरु जी, सारे लोग, हाथ में मेरे माइक पकड़ा दिया और उन्होंने सब सेवादार वगैरह सब लोगों को बोला कि सब लोग को चुप करवाइए। और फिर इस तरीके से गुरु जी ने वहाँ पे भवन में मुझसे सुना और सुनने के बाद हम टैपिंग हुई। मुझे और भी अच्छा लगा कि गुरु जी के भवन पर अगर टैपिंग हुई मतलब गुरु जी ने इस तरह से टैपिंग की। फिर उसके बाद गुरु जी ने मुझे गुरु पूर्णिमा पे गवाया, जब बटाली ब्रदर्स आए हुए थे उसके बाद उन्होंने मुझे गवाया। फिर अपनी एम्पायर स्टेट में मैंने गाया। तो शायद गुरु जी मेरे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो अब मैं चलती जा रही हूँ, आगे ही आगे चलती पढ़ती जा रही हूँ, लेकिन मैं गुरु जी के आगे खड़ी हो गई। मैं कहा गुरु जी एम्पायर स्टेट में तो मैंने भी गाना है, अब मेरे को भी गवाओ आप एम्पायर स्टेट में। क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? आप मानोगे नहीं, वो इतनी जल्दी सुनते हैं। रात को 10:40 पर मेरे को फ़ोन आ जाता है बंटी क्वाटरा जी का आगरा से, कहते हैं अंजू आंटी कल ना सुधा आंटी का बर्थडे है, एम्पायर स्टेट में गाना है आपको, लाइव है आपका। मैंने कहा 10:40 पे आप मुझे बता रहे हो, तो 11:45 हो गए रात के। मैंने कहा मतलब वाह गुरु जी, तो सुबह में इनको दौड़ रही थी, इतनी जल्दी सुन लेते हैं। और कहते जल्दी बताओ 15 मिनट में आपको मुझे बताना है। मैंने कहा मुझे म्यूजिशियंस को ये साउंड सिस्टम वगैरह सबको बोलना पड़ेगा, बोला फटाफट बताओ 15 मिनट में। तो मेरे भी उन लोगों से बात भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उनको फ़ोन करके बोला कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है तो हो जाएगा सर, गा दूँगी मैं। लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन आया कि कल नहीं फिर परसों गाइए, क्योंकि कल रश भी होगा और फिर एक दिन में आपको तैयारी का भी लग जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे 10 मार्च को गुरु जी के एम्पायर स्टेट में गाया। इतना डिवाइन ऑरा और इतना अच्छा लगा वहाँ पर गाकर। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप दिल की आवाज़, दिल की बातें इस तरीके से सुनते हैं कि मैं क्या बोलूँ।
एक दो भजन शेयर करूंगी अब मैं। एक तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में वहां गाया था, वो मैंने पहले भी गाया था, पहले तो वो सुनाती हूँ जो मैंने भवन में गाया था। गुरुजी मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी।